अरे भाई जी हम मार रहे हैं, आप लोग मछली चुन रहे हैं कि? ओ भैया ओ ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मछली ने करा दिया थाना प्रभारी को सस्पेंड। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप पहले यहाँ हो रही मछली की लूट को देखिए। ये मामला डुमरी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक पिकअप वैन करीब 10 क्विंटल मछली लेकर बंगाल से बिहार जा रही थी, जिसका नियंत्रण बिगड़ने के कारण उल्गो टोल प्लाजा के पास वाहन अनियंत्रित होने के कारण पलट गई, जिसके बाद वहाँ ग्रामीणों में मछली लूटने की होड़ मच गई। इसके बाद क्या था, मेरा घर हुआ मतिहारी जिला, हम घर चलाते मछली पिकअप संजय राम का, मुजफ्फरपुर का ऑनर हुए। हम लोग बंगाल से आ रहे थे मछली लूट करके, यहाँ डुमरी टूल टैक्स पर हमारा गाड़ी पलटी खा गया गाड़ी बचाने के चक्कर में। ये गाड़ी वाला हमको डिस्टर्ब कर दिया, वहाँ से मछली सब नीचे गिर गया, कुछ गाड़ी में था कुछ छिटा गया, पब्लिक लोग बिटोर रहे थे, कोई लेके भाग रहा था, तो 2 से 2.5 क्विंटल मछली पब्लिक लोग लूट लिया। मेरा गाड़ी पर पहुँच गया, 8 क्विंटल के आस पास में मछली था। मछली टोटल कितना था? 10 क्विंटल 36 किलो मछली था मेरा। 8 क्विंटल वहाँ से बच के जहाँ गाड़ी पलटी खाया था वहाँ थाना स्टाफ गए, गाड़ी सीधा करवाए, फिर पब्लिक लोग मछली लोड कर दिया, हम लोड किए, गाड़ी ले गए थाना पर। थाना पर जब आए तो बड़ा बाबू बोला कि आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा दिए। हम लोग अंदर थे, थाना के अंदर थे। उसका बाद में कहा कि मछली सब स्टाफ लोग थाना स्टाफ लूट रहा था, 2 किलो 10 किलो 20 किलो 1 क्विंटल कार में लेके गया, 2 क्विंटल मछली कार में लेके गया 2 बार। उसके बाद में थाना स्टाफ लोग बोरे बोरे करके मोटरसाइकिल पर कुछ कुछ पर लेके गया। हम लोग वीडियो किए, कुछ वीडियो भेजे और कुछ वीडियो थाना स्टाफ देख लिया, मोबाइल से डिलीट कर दिया। तो हम बाला बाबू से बात किए, सब बताइए हमारा सब मछली लुटवा दी, खाएगा नहीं स्टाफ है तो हमको सही 1 क्विंटल खा जाता, 8 क्विंटल मछली खाने वाला है, अब सब थाना में सपरेगा नहीं सपरेगा। उसके बाद क्या किए कि पैसा मांग रहे थे 20,000 गाड़ी छोड़ने के लिए। हम बोले सर 20,000 रुपये कहाँ से, मेरा सामान नुकसान हो गया और 20,000 रुपये हम कहाँ से लाएं। हर पाँच के बोले कि 15,000, फिर बोले कि 10,000, तो हम 6,000 रुपया अपने गाँव संजय ऑनर उनसे मंगवाए, 6,000 रुपये डाले। स्क्रीन सर्च भी मेरे पास है, जो खाता नंबर दिए बड़ा बाबू लिख के वो भी पास है, 2,000 रुपया और सिपाही जी हमसे लिया था वो भी है। हम लोग सब कुछ हार पाँच के SP के लगे फोन किए, DSP साहब के लगे, बोला कि ठीक है हम बात करते हैं, फिर कॉल किया कि कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर हम SP के लगे गए, आवेदन लगे आवेदन दे दिए, फिर आज मेल किए हैं, आज फिर गए ऑफिस में तो मैडम बोल रही थी कि साहब नहीं है, आज बात नहीं हुआ, कल परसों बात होगा, कहीं मीटिंग में गए, कहीं मीटिंग में गए, बस इतने बात है, दूसरा बात कोई नहीं है।